ऋतिक के लिए ये साल खास। ऋतिक एक फिल्म का कितना चार्ज करते हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन का कुछ समय पहले यानी 10 जनवरी 2022 को बर्थडे था। ऋतिक आज पूरे 47 साल के हो चुके हैं। ऋतिक अभी तक कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनमें कोई मिल गया, लक्ष्य, क्रिश और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आदि शामिल है। ऋतिक के बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं कि इस साल यानी 2022 में एक्टर की कौन कौन सी फिल्में दर्शकों को देखने को मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतिक रोशन साउथ की चर्चित फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। फिल्म विक्रम वेधा एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म रहेगी, जिसमें सैफ अली खान और राधिका आप्टे भी नजर आएंगे। इसके साथ ही ऋतिक रोशन फिल्म फाइटर में भी नजर आएंगे। खबरों की माने तो इस फिल्म में आपको कुछ ऐसे हैरतअंगेज एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे जो इससे पहले बॉलीवुड की किसी फिल्म में नहीं देखे गए थे। इस फिल्म में वो दीपिका पादुकोण के साथ पहली बार नजर आएंगे। वहीं ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 भी इस साल दर्शकों को देखने को मिल सकती है। क्रिश में ऋतिक रोशन सुपर हीरो के रोल में नजर आते हैं और फिल्म के पीछे 3 पार्ट्स दर्शकों को खूब पसंद आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक रोशन की एक अन्य एक्शन से भरपूर फिल्म वॉर 2 पर तेजी से काम चल रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो दर्शकों को इसी साल ये फिल्म भी देखने को मिल सकती है। बताते चलें कि फिल्म वॉर साल 2019 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड मूवी थी। खबरों की माने तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 318 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बताया जाता है कि ऋतिक ने इस फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए लिए थे, जिनमें 48 करोड़ फीस के और बाकी प्रॉफिट शेयरिंग के थे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।